हम लोग बाल्मीक समाज के स्वर हम खाते हैं, पढ़ते हम नहीं, और उल्टी सीधी हरकतों में हम रहते हैं, अंधविश्वास में हम रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं जिनकी एक आवाज़ पे सैकड़ों लोग इधर से उधर होते हैं, उनको सुनने के लिए लाखों लोग लाइन में कतार में खड़े होते हैं। मोर सिंह पहलवान जी, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को, एक दो नहीं सैकड़ों बच्चों को उन्होंने निस्वार्थ निसंदेह पहलवानी सिखाई और ढेर सारे अवार्ड जीते और मंचों पर बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। मोर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो मेहरबानी जी, आप इतनी उन्नतियों पर हैं लेकिन आज जो आपका समाज है, वाल्मीकि समाज से आप आते हैं, वो बहुत पीछे है। कैसे हो पाएगा इस वाल्मीकि समाज का उत्थान, वो बताएँ। हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ पूछी है। वाल्मीकि समाज का उत्थान कैसे होना चाहिए, उत्थान का मतलब ये है कि प्रोग्रेस कैसे होनी चाहिए वाल्मीकि समाज की। जी, ये पहले तो सबसे पहले तो शिक्षा के पीछे हमें ध्यान देना चाहिए। जी, दूसरा रूढ़ीवादी सोच हमारी निकलनी चाहिए। जी, जिस समाज में छठी में लोग बाग पूजा करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है छठे दिन उसकी जो पूजा करता है, कोई बकरा काटता है, कोई भैंसा काटता है, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है, आहूति की जगह उसको दारू डाली जाती है और प्रसाद की जगह मांस परोसा जाता है। जी, तो उसके राक्षस गण घर में आएंगे या देवता गण आएंगे, जिसकी स्टार्टिंग ऐसी हो, जिसे कहते हैं वाल्मीकि समाज। कभी आपने सुना है किसी सरदार जी के ऊपर गुरु नानक आ गया? जी, नहीं, नहीं सुना ना। हम लोग बाल्मीकि समाज के स्वर हम खाते हैं, पढ़ते हम नहीं, और उल्टी सीधी हरकतों में हम रहते हैं, अंधविश्वास में हम रहते हैं। आप ये बताओ, अगर ये ऐसी बात है कि हाँ यार सबल सिंह बावरी आ जाएगा इसके ऊपर या कोई और भूत प्रेत आ जाएगा, तो अमेरिका में क्यों नहीं छोड़ते? अमेरिका में जाके ये चीज़ अपना जो ये जो सिस्टम है क्यों नहीं लागू करते? कहने का मतलब ये बात है, हमें अंधकार से निकलना चाहिए और पूजा पाठ से हट के हमें संविधान का मान सम्मान करना चाहिए। पूजा करना गुनाह नहीं है, कहीं राक्षस से इंसान से राक्षस ना बन जाऊँ, तो वो तो एक बात हो सकती है, लेकिन हमारी जो पूजा है वो पढ़ाई है। हाँ, बाइबल पढ़ो, गुटका पढ़ो, कुरान पढ़ो या पढ़ो गीता, लेकिन सबका एक चीज़ है कि वो बताता हमारा समाज है और इस तरह रहना है। लेकिन जिस दिन हमने संविधान पढ़ गया उस दिन हमें पता लग जाएगा कि हमारे अधिकार कैसे और हमें आप अधिकार कैसे लेने चाहिए। तो संविधान पढ़ना हमारा बहुत ज़रूरी है। हमें जो आगे निकालेगा वो संविधान निकालेगा, रूढ़ीवादी हमें आगे नहीं निकालेंगे। यही वजह है जो हम लोग भाग इकट्ठे नहीं होते हैं। आप देख लो कावड़ लेने जा रहे हैं, सही है, वो सबसे ज़्यादा हम ही हैं। आप देखो कितने ब्राह्मण परिवार के लोग कावड़ ले जाते हैं, ना के बराबर सही है। तो हमें ना मानसिकता के अंदर गुलाम बना दिया गया, हमारी मानसिकता के ऊपर ये हाई भी हो गए कि भगवान भला करेगा। अबे भैया, हमारा जो भला करेगा वो संविधान करेगा, हमारे पढ़ाई लिखाई करेगी, हमारे हकूकों की लड़ाई जो जानकारी है, जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हम गुलाम बने रहेंगे, ना कभी इकट्ठे होंगे। आने वाली जनरेशन हमारे को ये समझ लगी है कि हमारा जो उद्धार है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से है। जी, आपने कावड़ की बात करी, तो क्या बहुजन समाज के लोगों को कावड़ लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, या इस कावड़ को लाने से उद्धार हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी बता दें। क्या बात है, कावड़ माँ बाप तो गली में बैठे हुए हैं, उनको घर में जगह भी नहीं दे रहे हैं। जी, और जिनको हम जानते नहीं उनको कावड़ लाने के लिए मटका टांग के वो कावड़ लेके आ रहे हैं। बात होती है श्रद्धा की। जिसके माँ और बाप के प्रति श्रद्धा है वो है भगवान। जिसके माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं है वो भगवान नहीं है, वो तो एक दिखावा है। दिखावा हमारे जो दलित लोग बात करते हैं, जितने में मठाधीश बैठे हैं, जितने मठाधीश बैठे हैं, शुक्राचार्य शंकराचार्य, कौन लेके आते हैं? आप बताइए कहाँ से कौन सा कावड़ लेके आ रहा है? आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन लेके आ रही है? जो जितना हम इस रूढ़ीवादी में फंसे हुए हैं उतना हम अपने रोजी रोटी और शिक्षा से वंचित हैं। यही समय अगर से हम अपने परिवार में देंगे, शिक्षा पे देंगे, बच्चों पे देंगे, तो हमारा भला होगा, ना कि कांवड़ लाने से भला होगा। जी, क्या कारण है कि आज भी जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति खास तौर से है वो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपनी झाड़ू पोछे में ही लगाना चाहता है, इस तरीके के काम में ही लगाना चाहता है, जबकि सीवर के अंदर बहुत सारे वाल्मीकि लोगों की डेथ भी हो जाती है, फिर भी उसके 5-5, 10-10 साल उसी काम में लगे रहते हैं और उसके लिए IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर इसकी तैयारियाँ नहीं करते हैं? बहुत बढ़िया बोला, हमें सफाई का काम करने से कोई आपत्ति नहीं है। जी, लेकिन हमारे बच्चे सफाई करें तो हमारे कोड होने चाहिए। वाल्मीकि समाज ही क्यों, हम आपको एक आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। मान लिया
कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, आपने क्या वाल्मीकि समाज ही क्यों, वाल्मीकि समाज का आदमी अगरचे केला बेचेगा ना, पता है केला छील के खाती हैं, फिर भी उससे कोई खरीदेगा नहीं, पता है ये वाल्मीकि समाज का है जी। कुछ चीज़ें समझी नहीं जाती लेकिन महसूस की जाती हैं, समझ में नहीं आएगी जी। आप केला भी बेचने लोगों ना, पता है छील के खाएंगे, और फिर उसके बाद भी वाल्मीकि समाज का कोई केला खरीदने वाला नहीं है जी। कहने का मतलब यह है कि मैंने अगर चे झाड़ू लगा ली तो गुना नहीं है जी। मेरी औलाद अगर ये झाड़ू लगाएगी तो ये बहुत बड़ा गुना है। हम शपथ खाते हैं कि हमने तो झाड़ू लगा ली, हमारी औलाद झाड़ू नहीं लगाएगी, हम अपनी पीढ़ियों को ये चीज़ बदल के जाएंगे जी। आप थे मोर सिंह पहलवान जी, जिन्होंने बताया कि अब वाल्मीकि समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया और इन आडंबरों को छोड़ के उनको संविधान अपनाना पड़ेगा, संविधान की भाषा को पढ़नी पड़ेगी। बाबा साहब B.R. अंबेडकर ने जो हमें रास्ता दिया था, बहुजन समाज के लोगों को एक पथ दिया था, उस पर चलना पड़ेगा। और अब वाल्मीकि समाज को ही परिवर्तन आता जा रहा है, एजुकेशन के जरिए से, चाहे उनके संसाधन, सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोर सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।